हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद। हाँ जी, बिल्कुल ही आसान तरीके से कलाकंद कैसे बनानी है वो मैं बताऊँगी। उसके लिए सबसे पहले हमने घर का बना हुआ पनीर लेना है। जी हाँ, घर का बना हुआ ही पनीर लेंगे और उसे इस तरह से हम कद्दूकस करेंगे पनीर को। आप चाहो तो हाथ से भी उसे मसल सकते हो। एक छोटा बाउल मैं लूँगी पनीर कद्दूकस किया हुआ और उसी बाउल से ही मैं नाप लेके उसी बाउल का ही नाप लूँगी मैं। जैसे ये एक बाउल मैंने छोटा वाला पनीर का लिया है, अब इसी बाउल से मैं चीनी का नाप लूँगी। चीनी लूँगी जितनी जितना पनीर लिया है उससे आधा चीनी। शुगर पाउडर लूँगी या उससे कम भी रख सकते हो, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो कम भी ले सकते हो। आधा बाउल चीनी ये मैंने पीस ली है मिक्सी में। शुगर पाउडर इसे डाल देंगे पनीर में और मिल्क पाउडर लेंगे। जितना हमने जितनी शुगर ली है ना शुगर पाउडर, उससे थोड़ी कम मिल्क पाउडर लेंगे। आप उतना भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा कम है मिल्क पाउडर तो कम से भी हो जाएगा, बराबर बराबर भी ले सकते हो चीनी और मिल्क पाउडर। अब इसको हाथ से मैश करते हुए अच्छी तरह से हम एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे पूरा आटे का डो होता है ना, उस तरह से बन जाएगा ये। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए तैयार हो गया ये। अब इसमें हम इलायची पाउडर, एक से दो इलायची, दो इलायची या ग्रीन इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसे हम कुक करेंगे। पैन में तीन से चार चम्मच, चार चम्मच भी ले सकते हो दूध, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरम करेंगे और अब हम इसमें ये पनीर जो हमने मैश किया हुआ है ये डालेंगे और इसे हम पकाएंगे। कुछ देर हम इसे पकाएंगे। आप इसे बीच बीच में चलाते ही रहेंगे, चलाते ही रहना, क्योंकि अगर रुकोगे तो ये नीचे लगने के चांस होते हैं पैन में, लगना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसे यूं ही हम मिक्स करते रहेंगे और पूरा चलाते रहेंगे इस तरह से। और ये जब पक जाएगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये पूरी तरह से बन चुका है, क्योंकि ये साइडों से पैन को छोड़ने लगता है और थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो जाता है। देखिए अभी बना नहीं है, अभी नहीं हुआ है कुक। इस तरह से हिलाते ही रहना है आपने। ये देखिए अब ये हो गया है तैयार। ये देखिए आप पैन छोड़ रहे हैं ना इस तरह से, तो ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इस कंडीशन पे हम गैस बंद कर देंगे। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम एक जिस भी कंटेनर में हमने बनाना है उससे हम ऑयल लगा लेंगे। देसी घी लगाना है वैसे, हमने देसी घी लगा लेंगे चारों तरफ। ग्रीसिंग करेंगे इस तरह से। और अगर प्लास्टिक में बनाना है तो आप ठंडा कर ले थोड़ा सा। प्लास्टिक का कोई है कंटेनर, उसमें बनाने के लिए ठंडा करना है। मैंने ठंडा कर लिया है थोड़ा सा। अब इसमें डालूँगी और इसे पूरी तरह से दबाते हुए, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से या स्पून की सहायता से हल्का हल्का दबाना है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, आप मार्केट से लेके आते हो कलाकंद, थिकनेस आपको पता होगी कितनी रखनी है। बस उतनी ही थिक रखनी है इसकी मोटाई जो होती है। चम्मच के नीचे आप घी लगा सकते हो ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से हम एक लेवल में ला सके इसे इस तरह से। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम। अब इसमें हम जितने बड़े बड़े पीस रखने हैं उस तरह से हम इसमें कट कर देंगे, कट लगा देंगे इस तरह से।
और कट लगा के हम इसे दोबारा फ्रिज में रख देंगे और 1-1.5 घंटा 2 घंटे जितने आप रख सकते हो, जितने देर में ये बिल्कुल ठंडे होके थोड़े हार्डनेस इसमें हो जाए, हार्ड हो जाए तो निकाल लेंगे। अब हम इसे फाइनली निकाल लेंगे और इस तरह से नाइफ़ को राइट लेफ़्ट करके इस तरह से चलाते हुए लूज़ करेंगे पीसेस को, कंटेनर से अलग हो जाएगा आराम से। आप इसके लिए कोई जैसे केक टिन होती है ना, उसमें भी बना सकते हो, अगर स्क्वायर में रेक्टेंगल में है तो उसमें भी बना सकते हो। ये अब हम इस तरह से फॉर्क की सहायता से ये पीस आराम से, देखिए आराम से निकल गया। आप यकीन नहीं करोगे इतनी टेस्टी बनती है कि आप मार्केट की बनाई हुई कलाकंद इसके सामने फेल हो जाएगी, इतनी टेस्टी बनेगी और बहुत ही जल्दी मिनटों में बनने वाली कलाकंद है। आप ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।